हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8वीं क्लास की पुस्तक हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। इसका पहला अध्याय करेंगे आज हम, जिसका नाम है इतिहास के झरोखे से देवभूमि हिमाचल। मैं हिमाचल हूँ। मैं तुम्हें आज वैदिक काल से 1857 ईस्वी तक के अपने इतिहास के बारे में बताऊंगा। बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस और पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाते आ रहे हैं। तो हमारा हिमाचल दिवस कब बनता है? 15 अप्रैल को, और पूर्ण राज्यत्व दिवस बनाते हैं हम 25 जनवरी को। इस दिन जो था, भारत का 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। मैंने सोचा कि क्यों ना इस अवसर पर मैं तुम्हें अपने हजारों साल पुराने इतिहास की जानकारी दूं, ताकि आज मेरे विकास की कहानी जान सको। मेरे यहाँ आदि मानव के विकास की कथा पाषाण युग से आरंभ होती है। बिलासपुर के हरित लियांगर और सोलन की नालागढ़ तहसील से प्राप्त जीवाश्म साक्ष्य के अनुसार यहाँ मनुष्य का आरंभ 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये जो मैंने हाईलाइट करे हैं, ये नंबर एक लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है, और 2 करोड़ वर्ष पूर्व ये क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है। आपने भी अंडरलाइन कर लेना है अपने बुक में, पेंसिल से अंडरलाइन करें, क्योंकि ये छोटे छोटे वन वर्ड के क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम्स में। तो आपको ये अंडरलाइन जो मैंने करे हुए हैं, आपने भी अपनी बुक में अंडरलाइन करना है और ध्यान से इसको पढ़ना है। मेरे कुछ जनपद वैदिक काल में ही स्थापित हो चुके थे। इनमें त्रिगर्त, ब्यास, रावी, सतलुज के बीच का खंड बहुत प्रसिद्ध रहा है, जहाँ का राजा सुशर्म चंद्र महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा था। 4थी शताब्दी में पाटलिपुत्र के शासक समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद के स्तंभ व शिलालेखों में मेरे क्षेत्रों का वर्णन किया है। 630 ईस्वी में ह्यून सांग नामक चीनी यात्री ने भी अपने लेखों में मेरे कई भागों का वर्णन किया है। क्या तुम जानते हो कि 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मेरे एक हिस्से नगर कोट के किले में भयंकर लूटपाट मचाई थी। जो ये नगर कोट है, ये कांगड़ा को ही नगर कोट कहा जाता था उसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है। एक और आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी ने भी 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मुझ पर आक्रमण किया था, फिर भी मेरे लोगों ने हिम्मत ना हारी। 1365, ये मिस्टेक है, 66 लिखा था लेकिन यहाँ पे आएगा 65। 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने भी नगरकोट पर हमला किया। ये क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर है आपका। जब वापिस जा रहा था तो ज्वालामुखी मंदिर से लगभग 1800 पुस्तकें अपने साथ ले गया, जिनका उसने बाद में फारसी में अनुवाद करवाया। जानते हो कि जंजीर न्याय के लिए प्रसिद्ध मुगल बादशाह जहांगीर भी 1622 ईस्वी में नूरपुर कांगड़ा तक आए। ये क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर है आपका। जंजीर न्याय जो था, ये इसके लिए बहुत फेमस रहे हैं जहांगीर, क्योंकि इन्होंने अपने महल में जंजीर लगाई थी और एक घंटी बंधवाई हुई थी कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो डायरेक्ट आके वो घंटी बजाता था, और जो बादशाह थे वो उसकी प्रॉब्लम को सुनते थे और शॉर्ट आउट करते थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके बाद मेरी छोटी छोटी कई रियासतें इकट्ठी हो गईं। मेरे लोग बड़े ही बहादुर, निर्भीक और शूरवीर हैं। वे अंग्रेजों के विरुद्ध भी संघर्ष का बिगुल बुझाते रहे। 1845 ईस्वी में वजीर राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों से टक्कर ली। ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है। ये सारे ही क्वेश्चन नंबर एक के पार्ट हैं। तो ये 1845 वाला क्वेश्चन नंबर सिक्स है। ये जो लेसन है, ये हिमाचल के बारे में है, कि इसमें बताया गया है कि हिमाचल की स्थापना जो है वो कब से शुरू हुई है, कब से उसका जो उल्लेख किया गया है, और 1845 ईस्वी तक जो भी इसमें चेंजिंग आए उसके बारे में बताया गया है। ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो अभी मैंने पीछे आपको करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर टू करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे वेद, पुराण, महाभारत, स्तंभ, शिलालेख तथा चीनी यात्रियों के लेख आदि मुख्य स्रोत हैं। और इसका थर्ड क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में मुगल बादशाहों की भूमिका स्पष्ट करें, उनके प्रभाव आक्रमणों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसका आंसर हम राइट करेंगे जहांगीर सन 1622 ईस्वी में नूरपुर कांगड़ा में आए थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ की कई छोटी छोटी रियासतें इकट्ठी हो गई थी। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा नगर कोट के किले पर हुए आक्रमण का वर्णन करें। तो इसका आंसर राइट करेंगे हम कि सन 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने नगर कोट के किले पर आक्रमण कर भयंकर लूटपाट मचाई थी। 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मोहम्मद गोरी ने यहां आक्रमण किया था, तथा
तथा सन 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने नगर कोट पर आक्रमण किया। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन नंबर 1 ऑफ हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो अब आपने क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद उसको कॉपी में राइट कर लेना है अगर नहीं किया है तो। एंड अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक भी करें। अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताएं और उनको भी शेयर करके बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।